तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको सिखाएंगे कि इस तरह की फ़ोटो एडिटिंग आप कैसे कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम अपनी पिक्सआर्ट एप्लीकेशन जो ऑन करते हैं, इसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहां से डाउनलोड कीजिएगा। तो यहां से हम अपने फ़ोटो को ओपन करते हैं और चलते हैं ड्रा टूल पर। तो चलते हैं इरेजर पे और इसका साइज़ करते हैं लगभग कम और जूमेबिलिटी को बढ़ा देते हैं 87 लगभग। ओपेसिटी को रखते हैं 100। तो फोटो को जूम कर लेते हैं और इसका जो बैकग्राउंड है वो इरेज करते हैं जिस तरह से। आपके फ़ोटो का जो बैकग्राउंड है वो आपको ध्यान से रिमूव करना होगा। इसमें थोड़ा बहुत टाइम तो लगता है, मगर जितनी परफेक्शन से आपने अपनी फ़ोटो का बैकग्राउंड रिमूव करेंगे उतनी परफेक्शन से आपकी फ़ोटो भी एडिट होगी। तो हमने अपने फ़ोटो का बैकग्राउंड जो है वो रिमूव कर लिया है। अब हम अपना जो बैकग्राउंड है वो यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं। इसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कीजिएगा। और ये रहा हमारा बैकग्राउंड, हम इसकी थोड़ी सेटिंग कर लेते हैं फ़ोटो के हिसाब से, थोड़ा क्रॉप कर लेते हैं और ये हमारा बैकग्राउंड क्रॉप हुआ। जो हमारे बैकग्राउंड की जो लेयर है इसको हम नीचे लाते हैं। यहाँ पे आप 3 डॉट्स पे क्लिक कीजिए और ट्रांसफॉर्म पे क्लिक कीजिए और अपनी फ़ोटो को एडजस्ट कर दीजिए बैकग्राउंड के हिसाब से। हमारी फ़ोटो एडजस्ट हो गई है लगभग ठीक। अब हम यहाँ ऐड फोटो पे क्लिक करते हैं और जो हमारे शेडो का PNG है वो यहाँ पे लाते हैं। इसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कीजिए। इसको आपको बिल्कुल अपने पैरों के जो नीचे रखना है और इसको थोड़ा एडजस्ट करके अपने पैर के नीचे रखें और इसकी ओपेसिटी थोड़ा कम करते हैं क्योंकि ये ज़्यादा डार्क ना लगे। यहाँ पे ब्रश टूल पे चलते हैं और इसकी साइज़ को छोटा करते हैं और जूमेबिलिटी को भी -1 रखते हैं। हमारे फ़ोटो को जूम कर लेते हैं और पैरों के नीचे हल्का सा ब्रश करेंगे और ऐसे हमारी शेडो बन जाएगी। लगभग हमारी शेडो जो है वो बन चुकी है और हम अपनी फ़ोटो को जो है वो डाउनलोड करते हैं। यहाँ पे चलते ड्रा टूल पे और यहाँ पे क्लिक करते हैं और 3 डॉट्स पे क्लिक करते हैं और सेव फोटो करते हैं। अब चलते हैं लाइट रूम एप्लीकेशन के अंदर, इसकी लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड कीजिए। यहाँ पर चलते हैं ऐड फोटो पे और जो फ़ोटो थी हमने डाउनलोड की थी उसको इम्पोर्ट करते हैं। तो यहाँ पे अपने प्रीसेट का यूज़ करेंगे, इसकी लिंक में भी अब हम यहाँ पे अपने प्रीसेट का यूज़ करते हैं, इसकी लिंक में भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड कीजिएगा। तो ये रहा हमारा प्रीसेट, 3 डॉट्स पे क्लिक कीजिए और कॉपी सेटिंग। अब वहाँ से बैक जाते हैं और अपने फ़ोटो पे क्लिक करते हैं और 3 डॉट्स पे क्लिक करते हैं और पेस्ट सेटिंग करते हैं। अब चलते हैं यहाँ पे लाइट वाले ऑप्शन में और इसका जो एक्सपोजर है वो कम करते हैं क्योंकि हमारे फ़ोटो में जो ब्राइटनेस है वो बहुत ज़्यादा है, और हाइलाइट्स को कम करते हैं और शेडोज़ को भी बढ़ा देते हैं 32 तक। और चलते हैं कलर वाले टूल पे और मिक्स पे क्लिक करते हैं, यहाँ पर अपनी सेटिंग्स कर लेते हैं।
करते हैं। तो अब हम चलते हैं मास्किंग वाले टूल पे, और जिनको नहीं पता है लाइटरूम का न्यू वर्जन आ चुका है, इसको आप बाय भी कर सकते हो। तो अब हम चलते हैं इफ़ेक्ट्स वाले टूल पे, क्लैरिटी को थोड़ा बढ़ा देते हैं और इसको भी लगभग 140 रखते हैं, और फेड को भी बढ़ा देते हैं, हाईलाइट्स को थोड़ा बढ़ा देते हैं, और चलते हैं डिटेल्स वाले टूल पे और शार्पनेस को थोड़ा बढ़ा देते हैं, और अब इसको दोनों फिंगर्स से पकड़ के आगे ले जाए। अब हम यहाँ पे नॉइस वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं और उसको बढ़ा देते हैं। इससे क्या होगा, आपकी जो फ़ोटो में जो नॉइस है वो बहुत कम हो जाएगी। और डन, हमारी फ़ोटो जो है वो एडिट हो चुकी है। ऊपर वाले आइकन पे क्लिक करते हैं और उसको सेव करते हैं।